अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद असन नारायण एंड यू आर वॉचिंग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद असन यूट्यूब चैनल। ये मेरे चैनल का नाम। उसमें बहुत से बच्चों ने जो है वो कांटेक्ट किया कि सर आप जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आएँ। मैंने कहा नहीं भाई, आ गए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ और अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 का ये जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम, अब देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले हमारे जो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे लोग भाई, आप लोग क्या करें, स्टार्ट हो जाएं, अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं ताकि आप नोट्स जो है अगर उनको जो है कॉपी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आसानी से आप लिख लें, क्योंकि मैंने जो है कॉन्सेप्ट्स को बड़ा कन्फाइन करके और सारी चीज़ों को जो है वो बड़ा टू द पॉइंट करके लिखा है। और मेरी वीडियोज़ की यही एक अच्छी बात यह है कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ लेकिन वो आपके पास, ताकि आपकी कम आप जो है ज़्यादा मेहनत ना करें और फौरन से जो है आपका जो है वो सारा जो एक निचोड़ है कॉन्सेप्ट का वो आप तक आ जाए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली स्टूडेंट क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएं तो एक सेकेंड में, तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की स्टूडेंट, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या हैं। तो भाई कंडक्टर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए। अब वो पास कैसे हो जाती है, उनमें बड़ी मिकदार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो डिटैच होते हैं अपने पेरेंट एटम से और कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ना होने के बराबर ये बहुत कम होती है, तो इसलिए दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ वायर है और आप देख रहे हैं कि भाई सर इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमें करंट क्यों महसूस नहीं हो रहा या हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। तो भैया करंट की प्रोडक्शन जो है वो आपके पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो सबसे पहले हम देखें, एट दिस टाइम जब आप एक वायर को अपने हाथ में होल्ड करे बैठे हैं और उस वक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, जब आपने उसे किसी पोटेंशियल को जो है अक्रॉस द एंड ऑफ दैट वायर अप्लाई नहीं किया था, तो वो है हमारे पास थर्मल वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव द रैंडम वेलोसिटी। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो एब्सेंस के अंदर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो रैंडम वेलोसिटी है। आपको अगर मैं बताऊं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास इस तरह से राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, कुछ आपके पास लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं, कुछ आपके पास अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, तो इससे नेट इफेक्ट जो है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इस कंडक्टर है वो किस स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है। और उस वक्त जब कंडक्टर को हमने कोई भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो वो किस कंडीशन में है, उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी कहलाती है। थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है, थर्मल वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर क्या होता है, तो फ्यू मिलियन पर सेकेंड होती है हमारे पास। सेकेंड थिंग हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, क्योंकि करंट जो है, जो आपने पढ़ा है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, इसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ भी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे। तो ये करंट जो प्रोड्यूस होता है या किसी वायर में फ्लो करता है ये ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, जैसा कि आपने क्या किया कंडक्टर को, कंडक्टर के एंड्स के ऊपर आपने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल अप्लाई करने से आपको पता है फील्ड उसमें डेवलप हो जाएगी, तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंसेस द ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इन अगेंस्ट द फील्ड। यानी फील्ड जिस डायरेक्शन में है वो इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, यानी कि एक फोर्स को फील करेंगे और होगा क्या, दे गेट ड्रिफ्टेड। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी वेलोसिटी को थोड़ा कम तो कर देगी लेकिन इससे क्या होता है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं और दे स्टार्ट कोलाइड विद द एटम्स एंड दैट्स हाउ दे ड्रिफ्टेड एंड करंट इन अ वायर इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, स्टूडेंट ये लिखा है 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मूवमेंट ऑफ करंट है इन अ वायर, इन अ मेटल, इन अ कंडक्टर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है अगर मैं दोबारा से उसको बता दूं, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
they will experience a force against the electric field. So that's how that drift velocity is produced. मतलब वो accelerate हो जाते हैं, they start collide with the atoms. So that's how your drift velocity produces. फिर आपके पास आता है formula. देखें current जो है हमारे पास electric current जो है it is the fundamental quantity. यानी कि ये fundamental quantity है out of those seven fundamental quantities current is one of them. और इसका formula है I is equal to Q over T. तो ये इसका फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम. और करंट जो है स्टूडेंट्स एक स्केलर क्वांटिटी है. व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज जो करंट की एडिशन है इट ओबेज द स्केलर एडिशन. यानी कि ये स्केलर्स की तरह सिंपली जो है वो ऐड हो जाता है. तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. बहुत से बच्चों के जहन में आता है कि ये वेक्टर होगा या क्या होगा, कुछ टेंसर भी कहते हैं इसको, बट नहीं ऐसा नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसकी एडिशन जो है वो सिंपल स्केलर के रूल से एड अप हो जाते हैं. तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड सेकेंड थिंग, इसका एस आई यूनिट क्या है? एम्पियर है. इलेक्ट्रिक करंट का एस आई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? एम्पियर. और मैंने इसकी यहाँ पे इक्विवेलेंसी भी लिखी है, आई करंट और चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकेंड. कूलम पर सेकेंड जो है एम्पियर. वैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो एस आई यूनिट है वो एम्पियर है और ये इक्विवेलेंट किसके है? कूलम पर सेकेंड. अब इन द एंड थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टूडेंट वन एम्पियर, यानी कि वन एम्पियर का करंट कब डेवलप होता है या कैसे किसे क्या कहते हैं इसको. तो स्टूडेंट जब आपके पास चार्ज ऑफ वन कूलम मूव्स थ्रू अ एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन वन सेकेंड, देन वी कैन से दैट हमारे पास जो करंट होगा वो कितने एम्पियर का होगा? वन एम्पियर का होगा. सो That's all for today's lecture. I hope you understand today's lecture. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. माई चैनल नेम इज़ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.